In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. In today's lesson, we are going to study about future perfect continuous tense. Before this, we have studied about present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and now we are going to study about future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. सबसे पहले हम इसकी रिकग्निशन देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा उर्दू सेंटेंस को देखकर कि ये कौन सा टेंस है. तो इट्स रिकग्निशन इन उर्दू इज दैट रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, वो खेल रही होंगी, हम खेल रहे होंगे. अब अगर यहाँ तक देखें तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है कि वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग. तो हमें फिर कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है बल्कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो इसके साथ टाइम आएगा, क्या आएगा इसके साथ, वक्त का आना जरूरी है. वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वो दो घंटों से खेल रहा होगा. जब हम दो घंटों से, सुबह से, शाम से, 5 साल से कहेंगे तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा. वो दो घंटों से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. ठीक हो गया. तो टाइम का आना जरूरी है. ओके हो गया. अच्छा, इसी तरह अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में देखें तो उसमें क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं और टाइम आता था. पास्ट में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, टाइम आता था. ठीक हो गया. अब आगे दूसरी जो इसकी रिकग्निशन इन उर्दू है वो क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, वो खेल रही होंगी. ठीक हो गया. इसके साथ टाइम का आना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ती रही होंगी. ठीक है, वो खेलता रहा होगा तो इसका बनेगा ही विल हैव बिन प्लेइंग. वो खेलता रहा होगा, ही विल हैव बिन प्लेइंग. ठीक हो गया. ता रहा होगा, वो खेलती रही होगी, शी विल हैव बिन प्लेइंग. वो खेलती रही होंगी, दे विल हैव बीन प्लेइंग. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो दूसरी रेकग्निशन में ता, ती, ते, अगर हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट को देखें उसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे आता था. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखें तो उसमें क्या आता था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी. ओके हो गया. अच्छा, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगाएंगे. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा जिसे आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म को. आप देख लें जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उन सबके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी. तो यू मस्ट रिमेंबर, रहा, रही, रहे, जहां भी आएगा यू मस्ट रिमेंबर वी विल यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म. अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होंगे, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन. तो आई बी के साथ हम जनरली वी से कि आई बी के साथ शैल लगाना है और बाकी सब के साथ हमने विल लगाना है. आई बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सब के साथ क्या कर देंगे, विल हैव बीन लगाएंगे. अगर हम इसका कंट्रैक्शन, अच्छा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब थे, वेरी वेल डन, हैज बीन और हैव बीन. अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन से थे, क्या, यस, हैड बीन था, वहां हैड बीन था. ठीक हो गया. शैल हैव बीन, विल हैव बीन. अच्छा, कंट्रैक्शन देखते हैं तो शैल नॉट हैव बीन, तो शैल नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है, शैन्ट हाफ बिल हो जाएगा. विल नॉट का कंट्रेक्शन क्या होता है, वोंट, तो ये क्या हो जाएगा, वोंट हैव बिल, वोंट हैव बिल. इट इज क्लियर टू यू. अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाया कैसे जाता है. तो सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में क्या कहते हैं, मुस्बत फिकरात, इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में फुल स्टॉप. फुल स्टॉप को टर्मिनेशन मार्क भी कहा जाता है और इसको पीरियड भी कहा जाता है. और आगे देखते हैं एग्जांपल इसकी. वो सुबह से एक किताब पढ़ रही होगी,
अब रही होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, सुबह से टाइम भी साथ मेंशन है, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। वो सुबह से किताब पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, शी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से एक किताब पढ़ रहे होंगे, तो वी के साथ क्या करते हैं? Shall have been. We shall have been reading a book since morning. ठीक हो गया। आई वी के साथ shall have been यूज करें और बाकी सब के साथ will have been। तो आप देख रहे हैं कि पढ़ रहे होंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन टाइम आ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो वी शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें, नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया जाता है? विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। ठीक हो गया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस को, नेगेटिव आपने बनाना हो तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। आपने ये भी याद रखना है जो विल नॉट हैव के विल के बाद आपने नॉट लगाना, शैल के फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। ठीक हो गया। आपने ये नहीं करना कि बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, सब्जेक्ट लगा दिया, विल हैव नॉट बीन लगा देंगे, लगा देते हैं, विल हैव नॉट बीन नहीं होगा। फौरन आपने जो पहला हेल्पिंग वर्ब है आपका, फौरन इसके बाद आपने नॉट लगाना होता है, तो विल नॉट हैव बीन क्या आएगा? विल के बाद नॉट, आप फिर उसके बाद हैव बीन, शैल नॉट के बाद हैव बीन लगाना। ओके हो गया। अच्छा, इसका नेगेटिव सेंटेंस उर्दू में देखते हैं। वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी, वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो नेगेटिव बनाया तो नॉट कहां आएगा? फौरन विल या शर्त के बाद। हम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। We shall not have been reading a book since morning. So you can see के will not का contraction क्या है? Won't है। Shall not का contraction क्या use करेंगे? Shan't। पढ़ेंगे कैसे? She won't have been reading a book since morning. We shan't having been reading a book since morning. ठीक हो गया। आपने ये भी याद रखना कि she है, बच्चे कहते हैं कि she आया हो तो यहाँ has नहीं आएगा। No. Will not have been है और shall not have been है। तो उसके बाद है interrogative sentences। क्या है जी? Interrogative sentences, सवाल या जुमले। हमें पता है कि किसी भी टेंस का interrogative बनाना हो तो स्टार्ट में क्या लगाते हैं जी? क्या लगाते हैं? वेरी वेल डन। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया जाता है। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है? विल और शैल है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन वैसे है, तो मेन जो है वो हमारा मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है। तो सेंटेंस के स्टार्ट में भी विल और शैल लगाएंगे, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने हैव बीन लगाना है। विल हैव बीन हो या शैल हैव बीन हो, तो हैव बीन एंड में आएगा, सिर्फ विल और शैल सेंटेंस के स्टार्ट में, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट, फिर बाद की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क। क्या वो एक किताब पढ़ती रही होगी? अब देखिए यहाँ टाइम तो नहीं है, लेकिन ती रही होगी। अभी हमने रिकग्निशन में पढ़ा था कि ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा, आ जाए, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो क्या वो एक किताब पढ़ती रही होगी? तो विल, शी, विल के बाद सब्जेक्ट लगाना होगा, हैव बीन बाद में आएगा, याद रखिएगा, विल हैव, शी विल नहीं होगा, विल शी have been reading a book। क्या हम एक किताब पढ़ते रहे होंगे? तो ये भी सवालिया है, क्या आ गया? तो shall we have been reading a book, shall we have been reading a book, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यू कैन सी के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? विल और शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हैव बीन लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगाना है,
इट इज ओके, आगे देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी, यानी कि सवालिया फिक्रा भी होगा और उसके उसमें के अंदर नेगेटिव भी होगा। जैसे तो इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या किया जाता है, वेरी वेल डन हेल्पिंग वर्ब को, और हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या चल रहा है, विल और शैल को हम स्टार्ट में लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या करते होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम जो नॉट है वी यूज आफ्टर सब्जेक्ट, फौरन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने। देखिए विल शैल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, have been, verb की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड देन देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क। क्या वो एक किताब नहीं पढ़ती रही होगी, क्या इंट्रोगेटिव होगी और नेगेटिव भी होगी। क्या वो एक किताब नहीं पढ़ती रही होगी, तो विल शी नॉट, आर यू वॉचिंग, के सब्जेक्ट के बाद वी आर यूजिंग नॉट, आफ्टर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू यूज नॉट। वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है। Will she not, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ती रही होगी, Will she not have been reading a book, तो contraction use करेंगे तो will not के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा won't, won't she have been, won't, not इधर आ गया ना, तो won't उसके बाद she लगा दिया, बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा, won't she have been reading a book, ठीक हो गया। देखो यहाँ time नहीं है, लेकिन दूसरी recognition जो थी हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, हमने कहा था ती रही होगी, तो ती रही होगी आगे, इस वजह से हम विल हैव बीन यूज कर रहे हैं इसके अंदर। क्या हम एक किताब पढ़ते नहीं रहे होंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। शैल वी नॉट, शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, शैल वी नॉट, मैं जनरली स्पीकिंग आई हैव टोल्ड यू कि आई वी के साथ शैल यूज करना है, तो शैल वी नॉट, शैल स्टार्ट में इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद आपने हैव बीन लगाना है, इसको ध्यान में रखिएगा। शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, कंट्रैक्शन यूज करेंगे तो शैल नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है, यस वेरी वेल डन शैंट होता है, तो शैंट वी हैव बीन रीडिंग अ बुक, शैंट वी हैव बीन रीडिंग अ बुक। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, तो इस वजह से क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगेगी। आगे चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन कैसे होती है, डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड्स आते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, गॉट इट। तो अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले व्हेन, वेयर, व्हाट आ जाएगा, और उसके फौरन बाद डबल इंट्रोगेटिव के फौरन बाद क्या लगाया जाता है, हमेशा तमाम टेंसेस के अंदर हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, WH फैमिली के बाद, WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहां हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वो विल शैल यूज कर रहे हैं, हैव बीन बाद में आएगा। तो देखते हैं फॉर्मूला इसका, तो WH फैमिली, विल शैल, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगा रहे, ये नहीं होगा WH फैमिली विल हैव बीन, शैल हैव बीन, व्हाई विल हैव बीन, शी, व्हाई विल हैव बीन, दे, ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपने हैव बीन लगा, WH फैमिली, विल शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वो एक किताब क्यों पढ़ती रही होगी, क्यों जो है ये डबल इंट्रोगेटिव को जाहिर करता है, दोहरे सवाल या फिक्र है। व्हाई निकाल दिया हमने, उसके फौरन बाद क्या लगाना था जी, हेल्पिंग वर्ब, वेरी वेल, तो हेल्पिंग वर्ब शी के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, तो व्हाई विल शी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा दिया, have been, have been subject के बाद आएगा, have been कहाँ आएगा, after subject, तो why will she have been reading a book, verb की fourth form और object, ठीक हो गया। double interrogative plus negative, यानी कि क्यों, कब, कैसे भी आ जाएगा इसके अंदर, और इसके साथ not भी आएगा। formula देखते हैं, तो वैसे double family लगाएंगे जैसे वहां करते थे, उसके बाद क्या लगाते थे, will shall लगाते थे, will shall के बाद क्या लगाते थे, very good, subject। अब हमने बनाना है डबल इंट्रोगेटिव को नेगेटिव, यानी कि सवालिया को नेगेटिव बनाना, तो नॉट कहाँ आएगा जी, कहाँ आएगा, वेरी वेल डन आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इट नेगेटिव, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
यू यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आप नॉट यूज करते हैं, जैसे हमने यहां यूज किया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव बीन, बल्कि फोर्थ फॉर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन कर देते हैं। हम एक किताब क्यों नहीं पढ़ते रहे हैं, हम एक किताब क्यों नहीं, तो why shall we not, why shall we not, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया हमने, उसके बाद है why shall we not have been reading a book, इसका कंट्रेक्शन यूज करें, तो shall not का कंट्रेक्शन क्या होता है shan't, तो why shan't, why shan't we have been, बाकी सारा वैसे के वैसे आ जाएगा, सिर्फ नॉट जो है उसके साथ शब्द के साथ आ जाएगा। Why shan't we have been reading a book, आखिर में क्वेश्चन, यहां तक समझ आ गए। अच्छा कुछ कुछ जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरह से भी होते हैं, जैसे वो कब से सो रहा होगा, कब से, कल हमने पढ़ा था ना वो कब से, बारिश कब से हो रही है, ठीक है, पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, सॉरी, ये बारिश कब से हो रही है, तो हमने कहा सिंस वेन हैज इट बीन रेनिंग, फिर पास्ट में देखा हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि बारिश कब से हो रही थी, तो सिंस वेन हैड इट बीन रेनिंग, ठीक हो गया। अभी फ्यूचर में देखने लगे हैं कि चलो पहले ये बारिश वाला देखते हैं, देखते हैं आजकल बारिश का सीजन चल रहा है वैसे भी, तो बारिश कब से हो रही होगी, तो सिंस वेन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, कब से का वर्ड आ जाए तो आपने क्या लगाना है सिंस वेन, उसके बाद टेंस के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब और बाकी से लगा दिया, तो सिंस वेन will, since when के फौरन बाद helping verb लगाना है, जैसे double interrogative sentence में लगाते हैं, ये भी double interrogative sense देता है, since when will it have been raining, अब it को देखे has been लगा देना, क्योंकि भाई हमारे helping verb जो थे will have been और shall have been थे, has been, will has been कुछ नहीं होता बस, since when will it have been raining, वो कब से सो रहा होगा, तो since when will, देख रहे हैं सिंस वेन के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंस वेन विल ही हैव बीन स्लीपिंग, वो कब से सो रहा होगा, तो दिस इज द एंड ऑफ ऑल द परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, हमने सबसे पहले सिंस और फार का यूज पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखा, पास्ट परफेक्ट को देखा, एंड टुडे वी हैव स्टडी अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कौन से वाली कंपैरेटिव स्टडी तीनों टेंसेस की, तो इस तरह हमारे टेंसेस जो होंगे दे विल कम टू एन एंड, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।